हाँ, अब आप मुस्कुराइए नहीं बल्कि घबराइए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि अगर आप गलती से संक्रमण की चपेट में आ गए तो हॉस्पिटल में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक आपकी जिंदगी को बचाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। कोरोना के मामले में इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स कम पड़ चुके हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ज्यादा संकट सीरियस मरीजों की सांसों पर आया है। वो मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पर स्थिति वही है कि सप्लाई से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। इससे पहले हम इस पर बात करें, आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 27,426 नए मामलों की पुष्टि, 103 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड 6,598 नए केस दर्ज हुए। प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत दूर नहीं हो पा रही है। इसी वजह से सिलेंडर मनमाने दामों पर बेचे जा रहे हैं। 300 रुपए का सिलेंडर का दाम 1,000 रुपए वसूला जा रहा है, यानी 3 गुना ज्यादा पैसे, जहां जितने में सौदा तय हो जाए। भैया लखनऊ से बोल रहे हैं, भैया 200 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था क्या? पेशेंट के लिए चाहिए क्या? हाँ भैया। सिलेंडर कहाँ से, यही कहा क्या? हमें मरीज के लिए चाहिए भैया, घर में लगाने के लिए। नहीं तो वही कहने, मतलब कुछ लोग ले लेते हैं, सिलेंडर खरीद लेते हैं, कुछ लोग जहाँ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, फिर गैस का दाम देना पड़ता है, तब मिलता है। कितनी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी? बी टाइप का 5,000 सिक्योरिटी जमा करते हैं। और फिर गैस कितने की पड़ेगी? और बड़ा वाला? बड़ा वाला लेंगे तो 8,000-9,000 रुपए जाने सिक्योरिटी है भैया। गैस इस वक्त है नहीं भैया, है नहीं। हालत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के घर वालों बड़ी कीमतें अदा करने को भी तैयार हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण बीमारों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, इससे लोग अपने घरों में आइसोलेट होने को मजबूर हैं। घर में लोग अपने मरीजों की दवाइयां तो दे रहे हैं, मगर परेशानी तब शुरू होती है जब संक्रमित का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। दूसरी लहर में इस कोरोना स्ट्रेन में लोगों को ऑक्सीजन स्तर तेजी के साथ कम भी हो रहा है, कभी कभार एक झटके में 80 तक पहुंच जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। इसके बाद लोग किसी नर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल से संपर्क कर ऑक्सीजन लगवाना चाहते हैं, लेकिन यह भी उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है। उधर लखनऊ ऑक्सीजन सिलेंडर एजेंसियों में भी काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां पहले एक दिन में 500 से 600 सिलेंडर की डिमांड थी, वो अब बढ़कर 1900 हो गई है। मगर एजेंसी इतनी है कि पहले सिलेंडरों की डिलीवरी के लिए एजेंसी जाती थी, पर अब खुद ही सिलेंडर ले जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल राज्यों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने राज्यों से तालमेल बैठाने को कहा। उधर राज्य सरकार ने भी ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाई है। अब देखना ये होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के अपने दावों पर प्रशासन कब खरा उतरता है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। कोरोना से जंग जीतने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां का जायजा लेने के लिए के न्यूज़ की टीम गई। कोविड हॉस्पिटल में मरीजों का आना शुरू हुआ, लेकिन इलाज करने में डॉक्टरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। हॉस्पिटल में दवा सप्लाई में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पेश है सिस्टम को कोरोना की दूसरी तस्वीर। किंग मेडिकल सेंटर को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है और कोविड मरीज भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर के सामने ऑक्सीजन की कमी के चलते भर्ती मरीजों के इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड हॉस्पिटल में लोगों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीजों की हालत नाजुक होती जा रही है। साथ ही दवा सप्लाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, क्या तैयारियां हैं और क्या चीजें कमी है यहाँ पे? तैयारी हमारी पूरी है, स्टाफ है हमारे पास, वेंटिलेटर है, आईपैप है, बेड्स हैं। कितने बेड्स हैं सर हमारे पास? आईसीयू में 2 बेड हैं जिसमें वेंटिलेटर उपलब्ध है, बाकी ऑक्सीजन वाले लगभग 30 बेड्स उपलब्ध हैं।
ओके। जनरल आइसोलेशन के और भी 10-12 बेड्स उपलब्ध हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, 10 करीब प्राइवेट रूम भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हम लोग पेशेंट तभी एडमिट कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए ऑक्सीजन का बैकअप हो जी, और ऑक्सीजन शॉर्ट सप्लाई में है, कहीं पर मिल नहीं रही है, इस कारण से पूरी क्षमता से मरीज एडमिट नहीं कर पा रहे। सर अपने आप ही ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन की कमी है निश्चित तौर पर मरीजों के लिए है अभी, लेकिन हम और मरीज इसलिए नहीं एडमिट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास और ऑक्सीजन का बैकअप नहीं। मेरी वाइफ है। क्या उनको दिक्कत है? उन्हें साहब निमोनिया हो गई थी। कोरोना के भी लक्षण हैं? नहीं, जांच हुई थी तो उसमें कोरोना निगेटिव है। निगेटिव है जी। अब क्या दिक्कत है समय? अभी साहब वही जो अभी गैस वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जरा दिक्कतें आ जाती हैं। वैसे डॉक्टर साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट भी लाते हैं कोशिश करके, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो है तो आपकी यही ऑक्सीजन। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर से दवा सप्लाई लाने के लिए हॉस्पिटल के लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। मरीज के परिजनों के मुताबिक कई जगह पर इलाज के लिए गए लेकिन इलाज नहीं मिला और ना ही ऑक्सीजन। अब जाकर यहां पर इलाज शुरू हुआ है लेकिन यहां भी ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही हैं। लखनऊ के काकोरी इलाके में यहाँ का ये हॉस्पिटल है, मेडिकल सेंटर, इसको कोविड हॉस्पिटल के तौर पर बनाया गया है। यहाँ पर अब कोविड के मरीजों का इलाज होगा। तो अगर यहाँ के डॉक्टर हैं जो डॉक्टर अभय सिंह से जब बात हुई है तो उनका कहना उनकी तैयारी कोविड को लेकर पूरी है। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में 11 कोविड के मरीज जो है एडमिट है, भर्ती हैं, जिनकी सभी की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। बात करने का डॉक्टर ने जो बताया है कि सबसे बड़ी दिक्कत उनको आ रही है ऑक्सीजन, जो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे इनके मरीजों की दिक्कत जो है बढ़ती ही नज़र आ रही है। डॉक्टर का कहना है कि दवाइयाँ लाने में काफ़ी दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट नगर से दवाइयाँ जो है लाने ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें मिल रही हैं। शिवम पांडे के, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तेजी के साथ पैर पसार रहा है, इन आंकड़ों को समझा जा सकता है। पिछले 5 दिन में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार 5000 की संख्या पार कर चुका है और शुक्रवार को तो 24 घंटे में अब तक का नया रिकॉर्ड बनाते हुए संख्या 6500 पार कर गई। हालत अब ये हो गई है कि लखनऊ जैसे अति व्यस्त शहर में सड़कों पर गिने चुने वाहन ही नजर आ रहे हैं लेकिन अस्पतालों में कतारें लंबी होती जा रही हैं, मरीजों को अब बेड नसीब नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ लगातार हम जब इन तस्वीरों की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, तो बड़ी बात यहां पर होती है कि जिन बेड की कमी की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑक्सीजन की कमी की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं पर डिमांड की जाती है तो कहीं पर ये होता है कि बेड की संख्या है, अस्पतालों में डिटेल में बेड लिखे हुए हैं, लेकिन जब मरीजों को देने की बात आती है तब मरीजों को वो बेड मुहैया नहीं कराए जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां पहले से संभालनी चाहिए थी, प्लानिंग या व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि जिन मरीजों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें पहले, ये ऑक्सीजन की बात हो या बेड की बात हो या वेंटिलेटर की बात हो, पहले उन्हें मुहैया कराई जानी थी। जिनके सिम्टम्स माइल्ड हैं, जिन्हें ऐसे ही ठीक किया जा सकता है, जिन्हें सलाह दी जा सकती है, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको सलाह के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता था। इसके अलावा इससे पहले आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सही समय पर जांच ना हो पाने और मरीजों के अस्पतालों में एडमिट ना हो पाने के चलते लखनऊ में मौतों का आंकड़ा 4 गुना तक बढ़ गया है और इससे बड़ी संख्या नॉन कोविड पेशेंट की है जिन्हें सही केयर नहीं मिल पाई। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने से राजधानी के कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बेड व वेंटिलेटर ना होने के एक तरफ जहां कोरोना मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती व शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नॉन कोविड अस्पतालों में भी बेड फुल होने से मरीज सड़क पर पड़े तड़प रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर इस कदर अपना कहर बरपा रही है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि KGMC में ट्रॉमा सेंटर भी मरीजों से फुल हो गया है। मरीज भर्ती होने के इंतजार में सुबह से शाम तक गेट के बाहर
स्ट्रेचर पर पड़े रहे। इसी के चलते केजीएमयू के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कार्डियोलॉजी एवं गायनेकोलॉजी के अलावा सभी इमरजेंसी सेवाएं तत्काल रूप से बंद कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने नए कोविड सेंटर का भी इंतजाम शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से लखनऊ के गोल्डन ब्लॉसम होटल और ढज हाउस के इलाज के लिए 2100 बेडों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की मदद के लिए डीआरडीओ की टीम भी जमीन पर उतर चुकी है। उसकी ओर से लखनऊ के चारों कोनों में 500 से 600 बेड वाले अस्पताल संचालित किए जाएंगे। दिल्ली से डॉक्टरों की विशेष टीम भी लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है, जो गंभीर मरीजों को इलाज मुहैया कराएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो यहाँ पर अब तमाम ऐसी स्थितियों पर विचार किया जा रहा है जिन पर यदि पहले विचार कर लिया गया होता तो शायद स्थितियाँ आज इतनी खराब नहीं होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या कुछ तस्वीर है कोरोना को लेकर सिस्टम की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे लखनऊ में सिस्टम को कोरोना और कोरोना की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश पर जमकर कहर बरपा रही है। राजधानी लखनऊ में तो हालत इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों को ना अस्पतालों में बेड मिल पा रहा है और ना ही दवाइयां। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भी अब उन्हें वेटिंग लिस्ट में खड़े रहना पड़ रहा है और वेटिंग के आधार पर टोकन प्राप्त कर लाशों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा है। शमशान घाटों पर लाशों की लंबी कतार,
12 घंटों की वेटिंग के बाद हो रहा दाह संस्कार। शमशान में चिताओं का अनवरत जलना जारी है। कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस घातक संक्रमण से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार के लिए आ रहे शवों को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने अंतिम संस्कार के लिए 90 नए प्लेटफॉर्म तैयार किए। वैकुंठ धाम पर और गुलाला घाट पर 30 नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। इन पर केवल कोविड शवों का ही दाह संस्कार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अंतिम संस्कार के लिए 12 घंटों से ज्यादा की वेटिंग झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा वैकुंठ धाम, जो कि लखनऊ के सबसे बड़े शमशान घाट में से एक है, वहाँ हालात ये हैं कि पिछले दिनों अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की कालाबाजारी शुरू हो गई थी, क्योंकि शव बड़ी मात्रा में पहुंच रहे थे। एक शव के लिए 7,500 रुपए तक लिए जा रहे थे। मीडिया में खबर आने के बाद आनन फानन में प्रशासन की तरफ से सफाई भी आई और फिर निशुल्क लकड़ियों का बोर्ड भी लगाया गया। साथ ही वैकुंठ धाम शमशान घाट का बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां दर्जनों चिताएं एक साथ जल रही थी। ये तस्वीरें डराने वाली थी और जनता ने हालात पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद नगर निगम ने इस शमशान घाट के चारों ओर नीले रंग की अस्थायी टीन लगा दी, ताकि बाहर से कुछ दिखाई ना दे। कुछ ऐसा ही हाल राजधानी लखनऊ के कब्रिस्तानों का भी है। कोरोना काल में कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आने वाली मैयतों की संख्या बढ़ गई है। शहर के सबसे बड़े ऐशबाग कब्रिस्तान में ही बीते 12 दिनों में 210 मैयतों को दफनाया गया, जिनमें से करीब 15 संक्रमित थे। संक्रमित शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान में अलग जगह बनाई गई है, साथ ही गड्ढा भी गहरा खुदवाया जा रहा है। लखनऊ के और बड़े कब्रिस्तानों में निषादगंज और डौलीगंज के कब्रिस्तान है, जहां पर शवों के दफनाने की संख्या सामान्य दिनों से 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है। मैयतों की संख्या बढ़ने से सभी कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मजदूर भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। मजदूर आसानी से मिल जाएं, इसके लिए खुदाई का रेट भी बढ़ा दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की तरफ से साप्ताहिक बंदी का आह्वान कर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बंदी का पूरा असर होना चाहिए, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने तमाम चुनौतियों के साथ साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने के लिए और कोरोना की चेन को कैसे बंदी के माध्यम से खत्म किया जाए, वही तमाम पुलिस अधिकारी ड्यूटी का निर्वहन करते समय संक्रमण की चपेट में आ गए, जिसमें 2 DCP, 1 ACP, कई प्रभारी निरीक्षक कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने उत्तर प्रदेश में कहर मचा रखा है। बेकाबू होते हालात और लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ अहम फैसले किए हैं। अब पूरे प्रदेश में साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया गया है, यानी अब रविवार को हर जगह लॉकडाउन रहेगा। राजधानी लखनऊ सहित अधिक कोरोना केस वाले 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। जहां ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस है, वहां पर साप्ताहिक की बंदी को सफल बनाने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का 100% पालन हो। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ 1,000 से 10,000 तक के शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि कोरोना गाइडलाइंस का 100% पालन कराया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लॉकडाउन संडे रविवार को दिन किया गया है, और क्या कुछ लखनऊ में व्यवस्था रहेंगे, जिस तरह से लगातार एहतियात बरती जा रही है और तमाम जगह से इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि लोग जागरूक हों, कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों में बिताएं, और कहीं कहीं जो लॉकडाउन है जो सरकार ने अपील की है और उसका अनुपालन करें, क्या कुछ व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया, इसी तमाम विषय को लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर साहब से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ है और क्या कुछ व्यवस्था रहे? देखिए, जनपद लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए 8 तारीख से ही नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू हम लोग चालू किए हुए हैं।
और खुशी की बात है कि आम जनता जो लखनऊ की है इसका हमें साथ दे रही है, खुद इसका पालन कर रही है। और रात की बात छोड़िए, दिन में भी जब अभी कर्फ्यू नहीं है, आज शनिवार ही है, आज अब जब शहर में घूम रहे होंगे देखेंगे बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग खुद जैसे संवेदनशील हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने रविवार के लिए लॉकडाउन का या तालाबंदी का बाजारबंदी का आह्वान किया है, उसके अनुसार जैसे जो बाजारबंदी रहेगी वो आज रात 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी कोरोना कर्फ्यू जोर करके, और परसों सवेरे 7 बजे तक रहेगी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ की जनता से जो अपील की गई थी उस पर खरा उतर रही है, कहीं कहीं लखनऊ वासियों का भी सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। हालांकि ये जो समय चल रहा है कोरोना का, इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। कैमरा रियासत उमेश मित्र, के न्यूज, लखनऊ। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि साप्ताहिक बंदी के असर के बाद कोरोना का संक्रमण कितना कुछ कम हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ हजरतगंज से इसी तमाम विषय को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश मिश्र ने। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया कि हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन रहेगा, रविवार के दिन लॉकडाउन का पालन लोग करें, इसके लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला अधिकारी हो या पुलिस के लोग हों या प्रशासन, समन्वय बैठा कर पूरे जो कोविड का अनुपालन है उसको कराना है। तो ऐसे में तमाम जगह प्रदेश में बैरिकेटिंग कर इसका अच्छरथा पालन कराया जाएगा, और कहीं ना कहीं जहां पे भी अत्यधिक केस हैं वहां पे लॉकडाउन को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर प्रशासन के लोग भी पूरी तैयारी और मुस्तैदी से ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। और वहीं पे जहां चालान की जो शुल्क था वो 500 रुपये से अब 1000 कर दिया गया है, और फर्स्ट बार में 1000 है, और उसके बाद अगर दोबारा होता है तो सीधे 10000 का है। इसके पीछे मंशा ये है कि कोविड का अनुपालन हो 100%, साथ ही साथ जो कोरोना का संक्रमण है, जो चेन है, उसको तोड़ा जा सके। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि साप्ताहिक लॉकडाउन से क्या कुछ कोरोना पे हम काबू पा सकते हैं। कैमरामैन रियाद के साथ उमेश मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।